ये फ्रॉग का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें फ्रॉग के मार्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया जाएगा। मार्फोलॉजी में ये रीजन देते हैं कि हम क्या होता है, हेड रीजन होता है, दिस इज द हेड रीजन, और यहाँ जो होता है ये पूरा रीजन ट्रंक के नाम से जानते हैं, ट्रंक रीजन होता है, बिकॉज इनमें नेक रीजन एब्सेंट होता है, और ट्रंक को जो है कि थोरैक्स रीजन होता है नेक की साइड में, और एब्डोमेन रीजन जो होता है ये दोनों रीजन को फ्यूज करके ट्रंक नाम दे दिया जाता है। तो ट्रंक में हम कह सकते हैं थोरैक्स हो जाता है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन। इसके बाद है, इनके पास जो ये ईयर होता है, ये ईयर कैसे होते हैं, टिम्पैनम को नाम दिया जाता है, मिडिल ईयर होता है और इंटरनल ईयर होता है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर जो ईयर पिना है ये इसमें एब्सेंट होता है। आगे बढ़ेंगे, आई होती है, इनकी आई होती है सिंपल आई होती है, सिंपल आई होती है, और इसमें नॉस्ट्रिल होते हैं, इनके पास नॉस्ट्रिल होते हैं। अब जो बात आती है इनमें, जो आईज है, आईज के ऊपर जो एक कवरिंग होती है मेम्ब्रेन, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है, इनके पास निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो कि ये जब वाटर में स्विम करते हैं तो दौरान अपने आईज के ऊपर इस मेम्ब्रेन की कवरिंग कर लेते हैं, इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। नेक्स्ट होगा, ये जो होगा फोर लिम होता है, फोर लिम, और ये जो पीछे का ये है, दिस इज नोन एज अ हाइंड लिम, हाइंड लिम। फोर लिम में जो डिजिट होते हैं ये ओनली फोर डिजिट होते हैं, ये देख पा रहे हैं, ये कितने हैं, फोर लिम में फोर डिजिट होते हैं, फोर डिजिट, और हाइंड लिम में कितने होते हैं, ये टोटल फाइव डिजिट होते हैं, ये फाइव डिजिट होते हैं। जो फोर डिजिट एंड फाइव डिजिट है, इन डिजिट के बीच में जो होता है वेव होता है, देखिए ये मैंने बनाया है, दिस इज नोन एज अ वेव। अब फोर डिजिट का काम ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर बरो का, और हाइंड लिम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइंड लिम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विमिंग एंड जंपिंग, स्विमिंग जंप करने के लिए एंड स्विम करने के लिए हाइंड लिम्ब आ रहे हैं। ये फ्रॉग फाइलम कार्डेटा से बिलोंग करता है, और ये जो है फाइलम कार्डेटा एंड क्लास एम्फीबिया से बिलोंग। की बात करें तो ये वाटर में रहकर के भी ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को ड्रिंकिंग नहीं करता है। इसमें जो है कुछ पॉइंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट, एक होता है विंटर स्लीपिंग और समर स्लीपिंग। तेज गर्मी होती है और टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है यानी सर्दी के समय में ये फ्रॉग आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस तरह से। समर सीजन में डीप बरो में मूव करते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं, तो ये समर स्लीप कहा जाता है, और विंटर सीजन में जब मूव करते हैं अपने आप को प्रोटेक्टिव रहने के लिए, इन्हें हम विंटर स्लीप के नाम से जानते हैं।